हे एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो एक और यूनिवर्सिटी के पीजी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और जिस यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट। जी हाँ, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, जो कि तमिलनाडु में है। इसके पीजी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने CUET पीजी का एग्ज़ाम दिया है और आप तमिलनाडु के इस इंस्टीट्यूट में अपना पीजी कोर्स परस्यू करना चाहते हैं तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। कौन कौन से कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या फ़ी रहेगी, वो सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं ये 31 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, आज 4 अगस्त है और ये 31 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया है यहाँ पर, या आप लोगों को नहीं पता है, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये आप लोगों के लिए वेकअप कॉल है। आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्स में फॉर्म फिल कर सकते हैं? आप MSc कंप्यूटर साइंस, जिसमें कि स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में, MSc कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी, MSc कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस, MSc मैथमेटिक्स अप्लाइड फिजियोलॉजी, MA इंग्लिश, सोशियोलॉजी, MSW यूथ एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, इन कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तमिलनाडु वाला जो इसका कैंपस है वहाँ पर, इसका एक सेंटर चंडीगढ़ में भी है। चंडीगढ़ में यहाँ पर दो कोर्सेज हैं, MA डेवलपमेंट स्टडीज़ और MA पब्लिक एड, MA डेवलपमेंट स्टडीज़ और MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये दो कोर्सेज चंडीगढ़ में चलते हैं, तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ये जो लिंक दिया हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इस लिंक के थ्रू आप समर्थ पोर्टल पर पहुँच जाएंगे इस यूनिवर्सिटी के, और आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? इंपॉर्टेंट डेट्स है 31 जुलाई से लेकर 9 अगस्त, 31 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 12 PM से पहले पहले, है ना, रात 12 बजे से पहले पहले तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई फीस नहीं है रजिस्ट्रेशन की, है ना। इसके पहले हमने एक और यूनिवर्सिटी की बात की थी तमिलनाडु की, उसकी कोई फीस नहीं थी, इस यूनिवर्सिटी की भी रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। उसके बाद प्लीज़ नोट दैट ओनली दोज कैंडिडेट हु रजिस्टर इन द लिंक, ये लिंक है, अलोन विल बी कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन बेस्ड ऑन मेरिट। इस लिंक के थ्रू जो रजिस्टर करेगा उसको ही केवल जो मेरिट लिस्ट में कंसिडर किया जाएगा। पहली लिस्ट जो आएगी वो आएगी 14 अगस्त को, 14 अगस्त को पहली लिस्ट यहाँ पर रिलीज होगी। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट सेलेक्शन लिस्ट मे बी रिलीज्ड इन द राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट वेबसाइट बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट। कैंडिडेट शुड एंश्योर बिफोर रजिस्ट्रेशन दैट दे हैव अपीयर्ड इन द टेस्ट CUET। तो ये सारी बाकी डिटेल्स दी हुई हैं। तो 31 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं वापस बता देता हूँ। ज़्यादातर जो तमिलनाडु वाला कैंपस है उसमें जो कोर्स MSc कंप्यूटर साइंस के हैं, मैथमेटिक्स का कोर्स है, अप्लाइड साइकोलॉजी फिजियोलॉजी सॉरी इंग्लिश सोशियोलॉजी और MSW यूथ एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। चंडीगढ़ जो सेंटर है वहाँ पर कोर्स है डेवलपमेंट स्टडीज़ और पब्लिक एड का कोर्स। तो अगर आप लोग यहाँ से परस्यू करना चाहते हैं अपना पीजी, तो यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं। आप तमिलनाडु के रहने वाले हैं, इवन आप पंजाब साइड के कहीं के रहने वाले हैं, जम्मू के, और आपको MA में एडमिशन लेना है, वेदर इट इज़ पब्लिक एड और डेवलपमेंट स्टडीज़, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दें।